तनकीद तनकीद बहुत तनकीद के बाद बाबर आजम के कंधों पर स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा हाथ आ गया। तफसील जानिए इस वीडियो में। बाबर आजम की कप्तानी इन दिनों जेर तनकीद है, जबकि इस मुश्किल वक्त में उनके कंधे पर स्पोर्ट का मजबूत हाथ आ गया। दुबई में खसूसी इंटरव्यू में वसीम अकरम ने क्या कहा? वसीम अकरम का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में हमें कप्तान को सपोर्ट करना चाहिए। बाबर आजम का तजर्बा अभी कम है, उनको हटाने से टीम में कुछ नहीं होगा, अलबत्ता सपोर्ट करने से फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक कौम के तौर पर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। जिस तरीके से बाज़ लोग बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत ही परेशान कुन बात है, अपना मजाक उड़ाना बंद कर दें, इससे मेरा दिल भी दुखता है। तीनों फार्मेट में क्यादत का बोझ बांटने के लिए बाबर आजम को हटाने के सवाल पर साबिक स्टार ने कहा कि या तो आपके पास कोई इमरान खान, जावेद मियादाद या माइक ब्रेरली बैठा हो तो बात समझ में भी आए। अब अगर बाबर आजम का तकरर किया है तो उसे 2-3 साल मौका दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। वसीम अकरम ने कहा कि क्यादत करने से ही आती है, कोई नेचुरल या पैदाइशी कप्तान नहीं होता, वक्त के साथ बेहतर फैसलों की सलाहियत आती जाती है। हम कोचेस पर अटैक करते हैं, उसे तो बताना होता है, मैदान में खेलना तो क्रिकेटर का काम ही है। दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखने